अब एक्सपर्ट डॉक्टरों से टाइम लेने का झंझट खत्म, क्योंकि आ गया है मेडिस्टर ई क्लिनिक। जी हाँ, ये हर मेडिकल स्टोर के बाहर मौजूद होगा, जहाँ जाकर आप एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और फिर वो मेडिसिन जो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आप मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। ये एक स्टार्टअप है और इसके आविष्कारक है हर्षित ताम्रकार, जो अपने पिता गणेश ताम्रकार से प्रभावित है और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया है। हर्षित को इसके लिए फंडिंग भूपेश सरकार से मिलती है। राज्य के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के माध्यम से फंड मिला हुआ है, जिससे मरीजों को कम फीस में डॉक्टर उपलब्ध हो पाएंगे और वो उनके समस्या का समाधान कर पाएंगे। हर्षित ने बताया है कि मरीज आमतौर पर डॉक्टर के क्लिनिक में लंबी लाइन लगाते हैं और उन्हें तुरंत ही अगर इलाज की जरूरत होती है, एक्सपर्ट्स की सलाह की जरूरत होती है, तो वो उन्हें नहीं मिल पाती है, जिसके चलते मरीजों को बहुत समस्या होती है। ई क्लिनिक के आने से अब मरीजों की यह समस्या दूर होगी, उन्हें डॉक्टरों के क्लिनिक के आगे लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। ये ई क्लिनिक हर मेडिकल स्टोर के बाहर उपलब्ध होगी, जहाँ पे आप 15 से 20 डॉक्टर की कैटेगरी होगी, आप अपनी समस्या के अनुसार अपने डॉक्टर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर वो आपको वीडियो कॉल करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे और साथ ही दवाओं का भी विवरण देंगे। इस ई क्लिनिक से सिर्फ मरीजों को ही नहीं बल्कि दवा दुकानों को भी फायदा है। हर्षद ने अपना संपर्क नंबर दिया है इससे जुड़ने के लिए, उनका मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोरोना काल के वक्त भी मेडिस्टर ने बहुत हेल्प किया था लोगों का, जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए थे तब मेडिस्टर ऐप पर दवाओं को ऑर्डर करके वो दूर अपने घर पर मेडिसिन आराम से मंगवा लेते थे, जिससे उनके परिवार को काफी सहायता मिली थी। कैसे काम करता है मेडिस्टर ई क्लिनिक, आइए आपको बताते हैं। तो मेडिस्टर ई क्लिनिक हर दवा दुकान के पास मौजूद होगा, इसके लिए मेडिकल स्टोर को पहल करनी होगी। आप अपनी बीमारी के अनुसार अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, वो 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहेंगे और वो आपको सलाह देंगे और साथ ही दवाई भी रिकमेंड करेंगे, जिसे आप मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। आपको बार बार पर्ची लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हिस्ट्री में जाकर अपनी रिकमेंडेशन और अपनी दवाएं देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम, नया स्टार्टअप जिसके चलते लोगों को काफी सुविधा होगी। धन्यवाद।